देहरादून स्थित झाजरा में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन पहली नवरात्रि यानी 17 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोला जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शिरकत करेंगी। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आनंद वन में प्रवेश का पहला दिन निःशुल्क रखा गया है, इसके बाद 20 और 50 रूपये का टिकट निर्धारित किया गया है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए यहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। आनंद वन में पर्यटक नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, सीता वाटिका, बटरफ्लाई पार्क, बुग्याल, वाटरफॉल, ट्री हट के साथ ही विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद ले सकेंगे। देखिए, अभी जो इसका जिस शेप में आनंद वन आया है वो पब्लिक के लिए 17 तारीख को खोला जा रहा है, और हमारे महामहिम और हमारी माननीय जो है गवर्नर साहब आ रही हैं। इसमें जनता के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज को इसमें करा है, जिसके तहत जो है साइकिलिंग का ट्रैक है वहां पर जो है तमाम तरह की जानकारी दी गई है। नवग्रह वाटिका है, नक्षत्र वाटिका है, एक्यूप्रेशर वॉक है, इसके अलावा जो है वहाँ डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। बच्चों के लिए बहुत कुछ है, मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पर दी गई है, और ट्री हट्स बनाए गए हैं, और वहाँ पे एक ऐसा जो है प्रशांत नीलियम करके एक एरिया मार्क किया गया है जहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है। कहने का मतलब है कोई आदमी आनंद से बैठना चाहे, प्रकृति का आनंद लेना चाहे, मेडिटेशन करना चाहे, तो वो उसमें वहाँ पे पूरी व्यवस्था है उसकी। आपको बता दें कि आनंद वन का लोकार्पण गत 22 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनमानस के लिए आनंद वन को शीघ्र खोलने के निर्देश दिए थे।